तो भाई लोग कैसे हो। आज दिन में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था फेसबुक रूम के बारे में, पर उसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न था कि भाई ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड कन्फ्यूज़न दूर करूँगा एंड फेसबुक रूम के बारे में ए टू जेड बताऊँगा। तो गाइज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ा आप कोऑपरेट करना, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज़। और इस वीडियो में मैं आपको मैसेंजर में रूम क्रिएट करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को देखते रहो। सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है एंड आपको मैसेंजर ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर जिसका अपडेट नहीं है उसे अपडेट करना है, ठीक है। चलो मैं आपको फेसबुक मैसेंजर ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गाइज़ मैंने इसे पहले डाउनलोड कर रखा है और साथ में अपडेट करके रखा है, आप इसे अपडेट कर लो। जैसे अपडेट करोगे आपको सिंपली इस ऐप को ओपन करना है। पर उससे पहले बात करते हैं फेसबुक रूम के बारे में, ठीक है। तो गाइज़ फेसबुक रूम को क्यों लाया गया था। गाइज़ फेसबुक रूम को इसलिए लेके आया गया क्योंकि जैसे कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकें, जैसे आपको पता है व्हाट्सएप में हम चार बंदे ज़्यादा वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस फेसबुक आपको ऑफर दे रहा है आप अप टू 50 बंदे तक वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें टाइम लिमिट नहीं है कि आप इतने टाइम के लिए करोगे, ठीक है। आप जितने मन चाहे उतने टाइम के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो टीचर्स के लिए और स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी ऐप है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है जूम ऐप बैन हो गया, तो आप इस फेसबुक ऐप से वीडियो कॉलिंग आराम से कर सकते हो एंड अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हो, ठीक है। अब चलो बात करते हैं आपको फेसबुक रूम कैसे क्रिएट करना है एंड कैसे अपने बच्चों को या अपने दोस्तों को, अगर आप इंडिविजुअल हो तो दोस्तों को कैसे इनवाइट करना है, ठीक है, रूम में। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सिंपली मैसेंजर पे चले आना है एंड यहाँ पे ऑप्शन आएगा पीपल का, ठीक है। आपको पीपल में चले आना है एंड यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट ए रूम का, ठीक है। आपको सिंपली क्रिएट ए रूम पर क्लिक करना है, ठीक है। चलो तो गाइस देखो मेरे यहाँ पे क्रिएट ए रूम हो गया, तो मैं आपको कैमरा को थोड़ा बैक साइड लेकर दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो फिर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हु कैन ज्वाइन, ठीक है। आपको यहाँ पे एडिट करना है एंड यहाँ पे करना है पीपल विथ लिंक, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका फेसबुक के दोस्त भी इसमें ज्वाइन हो तो आप ओनली पीपल ऑन फेसबुक कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो पीपल विथ लिंक भी कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस पीपल विथ लिंक कर देना, ठीक है। फिर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आपका शेयर लिंक का, ठीक है। आपको सिंपली इस लिंक पे शेयर लिंक पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, इस लिंक को कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके आपको अपने व्हाट्सएप में जिस भी बंदे को आपको लिंक पे ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इसमें ज्वाइन कराना है, ठीक है। चलो मैं किसी भी बंदे को, ये तीन चार बंदे को भेज देता हूँ, ठीक है। तो आप जिसे चाहो उसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसे दो बंदे को मैंने ऐसे भेज दिया, ठीक है। जैसे ही दो बंदे इस लिंक पे क्लिक करेंगे वो मेरे वीडियो कॉल पे आराम से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप रूम में करते थे इजीली ज्वाइन हो जाएंगे, इसमें भी आपको इजीली ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ज्वाइन होगा तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली फिर से आपके अपने ऐप पर चले जाना है। देखो ये मेरा रूम है, आपको सिंपली यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, ठीक है। तो कुछ देर में ये बंदे इसमें ज्वाइन हो जाएंगे क्योंकि मैं अभी ज्वाइन नहीं करा रहा। तो जैसे ही ज्वाइन हो जाएंगे आप इजीली अपना जो लेक्चर है या पढ़ाना है तो पढ़ा सकते हो, या उसके बाद चलो अब बात करते हैं कि रूम का आपको एंड कैसे करना है, ठीक है। आप इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जितनी देर चाहो उतनी देर रूम क्रिएट करके रख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपको अगर ऑफ करना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा थ्री डॉट क्रॉस का, ठीक है। आपको क्रॉस वाले बटन में टैप करना है एंड यहाँ पे देखो आपको रूम एंड करना है कि आपको खुद लीव करना है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो लीव कर सकते हो, अगर टीचर हो तो आप, अगर पढ़ा लिए हो तो आपको सिंपली रूम को एंड करना है, ठीक है। जैसे कि रूम एंड हो जाए तो आपको सिंपली एंड रूम में क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एंड रूम का, ठीक है। तो गाइस आपका जो रूम है वो एंड हो गया, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको पहले बता दिया इसमें बस 50 बच्चे तक अलाउ है, 50 से ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है, ऐड करने के लिए। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, ठीक है। अब आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेरी है तो कमेंट जरूर करना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। तो गाइस मिलता हूँ ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।